तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर माइनक्राफ्ट वीडियो। तो भाई, अभी के टाइम पे हमको माइनक्राफ्ट में दो प्रॉब्लम्स बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रही है, जिसमें पहली प्रॉब्लम ये है कि तुम लोग मतलब एक दिन माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड वगैरह बनाते हो और अगले दिन देखते हो वो वर्ल्ड ही गायब होते हैं। तो उसका रीज़न ये होता है कि तुम लोग मोबाइल का क्लीनर यूज़ करते हो, उससे तुम्हारे सारे वर्ल्ड जो है वो डिलीट हो जाते हैं। लेकिन आज मैं तुमको ऐसी सेटिंग बताने वाला हूँ जिससे तुम्हारे वर्ल्ड सेफ़ रहेंगे। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम लोग माइनक्राफ्ट डिलीट करके उसे इंस्टॉल करते हो, तो मतलब तुम्हें अगर माइनक्राफ्ट का मतलब वर्जन अपग्रेड करना है, तो तुम अपने वर्ल्ड को सेव कैसे कर सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें आज मैं तुमको बताने वाला हूँ। तो देखो, ये 1.19 में वर्क करता है, 18 का मेरे को कन्फर्म नहीं, और 17 में ये वर्क नहीं करता। तो 18 वालों देख लो, और 17 वालों को तो कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि उसमें वर्क नहीं करता ये। तो इसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपनी सेटिंग में चले जाना है। 19 में 100% वर्क करेगा, तुम लोग देख लेना। और तुम्हें जाना है नीचे स्टोरेज पे चले जाना है, और ये ऊपर जो एक्सटर्नल लिखा है ना, तुम्हें इस पे सेट करना है। मतलब तुम्हारा एप्लीकेशन पे रहेगा, तुम्हें एक्सटर्नल पे सेट कर देना है। उसके बाद देखो तुम्हारा मतलब ठीक हो जाएगा। अभी मैं तुमको दिखाता हूँ। तो ये देखो, मैं अपना अभी क्लीनर यूज़ करने वाला हूँ मोबाइल का। और अगर तुम लोगों को लगता है कि मैंने यहाँ से माइनक्राफ्ट का फोल्डर हटा दिया है, तो रुको थोड़ी देर, तुम्हें दिखा देता हूँ। रुको, तुम्हें माइनक्राफ्ट का फोल्डर दिखाता हूँ। रुको, कहाँ गया? तो ये देखो, मिल गया माइनक्राफ्ट का फोल्डर, इसके ऊपर टिक भी लगा हुआ है। तो अभी मैं इसको क्लीन करने वाला हूँ। हो गया। तो भाई ये देखो, अब हम जा रहे हैं माइनक्राफ्ट में, देखते हैं अपने वर्ल्ड डिलीट हुए कि नहीं। वैसे मेरे को पता ही नहीं हुए हुए। तो अब हम प्ले करेंगे। जल्दी कर भाई। तो ये देखो, मेरा एक भी वर्ल्ड डिलीट नहीं हुआ। ये बस एक ही प्रॉब्लम है कि तुम्हें बस वो इंटरनल एक्सटर्नल पे रखना होता है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी अगर तुम लोग अपना वर्जन अपग्रेड करना चाहते हो, तुम लोग 1.19 से 20 में शिफ्ट करना चाहते हो, तो तुम अपने वर्ल्ड को कैसे सेव कर सकते हो? तो सबसे पहले तुम्हारा यही सेटिंग ऑन होना चाहिए, मतलब एक्सटर्नल पे होना चाहिए तुम्हारा माइनक्राफ्ट। और उसके बाद तुम्हें चले जाना है अपने फाइल मैनेजर पे। रुको, देखो मैं आ गया अपने फाइल मैनेजर पे। अब तुम्हें एंड्रॉयड पे क्लिक करना है सबसे पहले तुम्हें। उसके बाद तुम्हें जाना है डाटा पे, और इधर तुम्हें माइनक्राफ्ट का फोल्डर देखने को मिलेगा एक, ये रहा मेरे को मिल गया। तुम्हें इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद तुम्हें चले जाना है, ये गेम्स लिखा है शायद, हाँ, इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर गेम्स, फिर मोजैंग के ऊपर, और यहाँ पे तुम्हें माइनक्राफ्ट वर्ल्ड, ये जो है माइनक्राफ्ट वर्ल्ड, इसके ऊपर क्लिक करना है। और ये देखो, ये जो मैं जितने भी अजीब से नाम दिख रहे हैं ना, ये सब तुम्हारे वर्ल्ड है। तो तुम्हें इन सबको सिलेक्ट ऑल कर लेना है सबसे पहले, और इनको किसी और फोल्डर में मूव कर देना है, ठीक है ना। जैसे कि मैं अभी इसको एंड्रॉयड में मूव कर देता हूँ। ये मैंने मूव कर दिया। तो गाइस देखो, मैंने अपनी माइनक्राफ्ट का डाटा जो है वो क्लियर कर दिया है। और तुम्हें पता है, अनइंस्टॉल करना और डाटा क्लियर करना एक ही तो बात होती है। तो मेरा अकाउंट भी लॉग आउट हो गया है। तो अब सिंपली मुझे क्या करना है, सबसे पहले अपनी सेटिंग में चले जाना है, ठीक है ना। सबसे पहले मैं अपनी सेटिंग में जाऊंगा और उसे एप्लीकेशन से एक्सटर्नल पर सेट कर दूंगा। कहाँ गया? ये रहा। इसे एप्लीकेशन से एक्सटर्नल पर सेट कर देते सबसे पहले। हो गया। अब मुझे क्या करना है, माइनक्राफ्ट में एक वर्ल्ड बनाना है। इसमें अगर तुम वर्ल्ड बनाए बिना जाओगे तो तुम्हारा बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। सबसे पहले तुम्हें एक वर्ल्ड क्रिएट कर लेना है। हो जा जल्दी, हो जा जल्दी, हो जा भाई, ये बहुत टाइम लेगा। ओके, हो गया। लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। हाँ, हो गया। तो अब तुम्हें चले जाना है फाइल मैनेजर में। देखो, अब तुमने जहाँ पे भी अपने वर्ल्ड जो मतलब मूव किए थे, उन सबको तुम्हें टिक कर लेना है। उसके बाद वापस उनको मूव कर देना है वही जगह पे, जैसे कि मैं कर रहा हूँ मूव। फिर एंड्रॉयड में जाएंगे सबसे पहले, उसके बाद डाटा पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे माइनक्राफ्ट के फोल्डर में जाएंगे। माइनक्राफ्ट का फोल्डर कहाँ गया?
ये रहा माइनक्राफ्ट का फोल्डर, इसमें चले जाएंगे सबसे पहले, गेम्स में चले जाएंगे, मोजैंग में चले जाएंगे, और यहाँ पे तुम्हें दो ऑप्शन मिलेंगे, वर्ल्ड टेम्पलेट और माइनक्राफ्ट वर्ल्ड। तुम्हें माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में घुस जाना है। बे चल, ये देखो मेरा एक वर्ल्ड ये रहा, और तुम्हें यहाँ पे सारे वर्ल्ड मूव कर देने हैं। ये लो हो गए। तो अब मैंने खोल ली अपनी माइनक्राफ्ट, और देखना मेरे सारे के सारे वर्ल्ड रिकवर हो गए होंगे, मतलब वापस आ गए होंगे। देखते आए कि नहीं। तो ये देखो भाई, मेरे सारे वर्ल्ड वापस आ चुके हैं। तो आई होप तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।